फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई वीडियो एडिटिंग के साथ। जो फ्रेंड्स आप सभी ने स्टार्टिंग में वीडियो का प्रीव्यू देख लिया है फ्रेंड्स, नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग जो मेरे यहाँ पर साइड में स्क्रीनशॉट में जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को कुछ इसी तरह का वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ इसी तरह का वीडियो आप बहुत ही आसान से सिंपल से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चले यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देकर देखना होगा, तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसी तरह का वीडियो बना सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ से मैं आप लोगों को फुल स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कैनमास्टर के एप्लीकेशन में जा करके। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में जो है लास्ट तक जो है कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चले फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसमें मैंने जिस वीडियो में जितने भी मटेरियल्स को यूज़ किया सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जा करके आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को कोई भी मटेरियल्स को डाउनलोड करने में दिखते हुए तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप लोग हमें पूछ सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ मैं अपने मोबाइल के काइनमास्टर के एप्लीकेशन में और वहाँ से फ्रेंड्स आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो चले फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ मैं अपने मोबाइल के काइनमास्टर के एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स देख सकते कि अपने मोबाइल के काइनमास्टर एप्लीकेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी को क्रिटनी पे क्लिक करके सेकेंड नंबर वाले में देख सकते हैं 9x16 का उसे इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आप सबको करना कैसे मिले, सेटिंग पे चले जाना। सेटिंग पे चले जाने के बाद आप लोग एडिटिंग पे चले जाना। एडिटिंग पे चले जाने के बाद फोटो ड्यूरेशन बढ़ा के आप लोग कुछ तरह से 3 सेकंड पे ला देना है। 3 सेकंड पे ला देने के बाद फोटो डिस्प्ले मोड को फिर स्क्रीन में रहेगा तो आप लोग को फिल स्क्रीन में कर देना है। ओके फिल स्क्रीन में कर देने के बाद आप लोग को बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप लोग को मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग कुछ इमेज को एड कर लेना है। ओके तो फ्रेंड्स चले यहाँ से मैं जो कुछ इमेज को एड कर लेता हूँ। आप लोग भी जो इमेज को फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग जो कुछ इमेज को एड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से फ्रेंड्स मैं इमेज को एड कर रहा हूँ। आप लोग फ्रेंड्स इमेज को जो है ना बनाना चाहते हैं जिस इमेज को यहाँ से फ्रेंड्स 40 से 45 इमेज को फ्रेंड्स आप लोगों को एड करना है। ठीक है तो फ्रेंड्स चलिए देख सकते हैं यहाँ से मैं जो कुछ इमेज को जो है एड यहाँ से जो है कर लिया। आप लोग भी जो है उसी तरह से इमेज को एड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इमेज एड कर देने के बाद आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाने के बाद आप सभी को करना क्या, इसमें ऑडियो एड करना था। ऑडियो एड करने के लिए आप लोगों को लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी को एक ऑडियो को एड कर लेना। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं जो ऑडियो का एड कर लेता हूँ, इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से मैं जो ऑडियो को एड कर लिया। ऑडियो एड कर देने के बाद नीचे देख सकते हैं एक्सट्रेट ऑडियो का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके ऑडियो को बाहर निकाल के यहाँ से वीडियो डिलीट कर देना है। वीडियो डिलीट कर देने के बाद फ्रेंड्स अब आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली सा इसमें जो है बीट के हिसाब से आप लोगों को फोटो को कट करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को दोनों उंगलियों को पकड़ के कोशिश तरह से जूम करना है। ठीक है तो यहाँ से फ्रेंड्स जूम कर लिया। जूम कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट बीट हमारा जो है कुछ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2.382 पर। ठीक है इतने पर क्लिक करके फोटो पर क्लिक करके कैंची पर क्लिक करके टर्म ड्राइड पर एड कर देना है। फिर से आप लोग को अगले इमेज पे आ जाना है। अगले इमेज पे आ जाने के बाद सेकेंड बिट देख सकते हैं आप लोग कुछ यहाँ पर 4.264 पर आया, तो इतने पर फोटो पर क्लिक कर देंगे, कैंची पर क्लिक करके टर्म टू राइट प्लेट कर देंगे। ठीक है फिर से आप लोगों को अगले इमेज पर आ जाना है। आगे देख सकते हैं अगला बीट जो है हमारा कुछ यहाँ पर 6.120 पे, तो इतने पर आ जाना है, फोटो पर क्लिक करके कैंची पर क्लिक करके टर्म टू राइट प्लेट कर देना है। ठीक है फिर से आप लोगों को आगे आ जाना है। फिर देख सकते हैं यहाँ से छोटा छोटा बीट अब हमारा है, तो फिर से हम जो यहाँ पर आ जाएंगे देख सकते हैं छोटा बीट हमारा जो 7.987 पर, तो फोटो पर क्लिक करेंगे, कैंची पर क्लिक करके यहाँ से टर्म टू राइट प्लेट कर देंगे। फिर से आप लोगों को अगले जो बीट पे इतने पर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, इतने पर आ जाकर फोटो पर क्लिक करके कैसे क्लिक करके टर्म टू राइट प्लेट में कर देना है। फिर से आप लोगों को आगे आ जाना है। यहाँ पर अगला बीट देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 8.646 पे, इतने पर आकर फोटो पर क्लिक करके कैसे पर क्लिक करके टर्म राइट प्लेट में कर देना है। फिर से आप लोग को अगला फोटो पर जो इस तरह से आ जाना है। यहाँ पर अगला बीट देख सकते हैं 8.938 पर, इतने फोटो पर क्लिक कर देंगे, कैंची पर क्लिक करके टर्म टू राइट प्लेट कर देंगे। फिर से आप लोगों को अगला बीट जो है हमारा कुछ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर इतने पर है। ठीक है इस तरह से 9.874 पे है, इतने पर आ जाना है आप लोगों को, फोटो पर क्लिक करके कैंची पर क्लिक करके टर्म टू राइट प्लेट कर देना है। फ्रेंड्स आप लोग कुछ इसी तरह से सभी इमेज को जो है ना कटआउट यहाँ से जो है कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं जो कुछ इसी तरह से बीट के हिसाब से फोटो को जो है कटआउट कर लेता हूँ। आप लोग भी फ्रेंड्स कुछ इसी तरह से कटआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलें यहाँ से मैं जो इस काम को जो फटक से जो है फास्ट थोड़ा सा जो है कर दे रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मैं इस तरह से जो पूरे वीडियो में बताऊँ तो फ्रेंड्स वीडियो जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलें यहाँ से मैं फ्रेंड्स कुछ इसी तरह से सभी इमेजों पर जो है फास्ट जो है कटिंग कर लेता हूँ। आप लोग भी जो है कुछ इसी तरह से जो है बीट के हिसाब से देख सकते, जितने पर जो है बड़ा बीट है उतने पर जाकर के आप लोगों को फोटो को कटआउट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं जो है काम को यहाँ से फास्ट में जो है कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हो कुछ यहाँ से अगला बीट जो है कुछ यहाँ से जो कुछ डबल फोटो है तो कुछ लंबा लंबा यहाँ पर बीट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते कुछ लंबा बीट यहाँ पर इतने पर, तो इतने पर क्लिक करके आप लोगों को कट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सब जो है छोटा है छोटा बीट है, तो आप लोग कुछ इसी तरह से जो है कटआउट जो है करते ही रहें, तो ओके। तो यहाँ से देख सकते फ्रेंड्स फोटो हमारे जो कुछ कम हो चुका है, तो फ्रेंड्स फिर से मीडिया पर जाएंगे, यहाँ से फोटो को जो है कुछ हम फिर से एड जो है कर लेते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स आप लोग भी जो है इसी तरह से फोटो को जो है कुछ ऐड कर लीजिएगा जहाँ से आप लोग कम हो जा रहा है, ठीक है। तो फोटो ऐड कर देने के बाद फ्रेंड्स फिर से आप लोगों को उसी तरह से जो है फोटो को जो है हिसाब से जो है आप लोगों को फोटो को कटआउट करना है, ठीक है। बीट के हिसाब से देख सकते हैं अगला बीट यहाँ पर है, यहाँ से फिर स्केची पे क्लिक कर टर्म टू एड प्लेट में कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से मैं जो कुछ इसी तरह से कटिंग कर लेता हूँ। आगे का प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में थोड़ा जो कंटिन्यू बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, तो फ्रेंड्स आप भी कुछ इसी तरह का जो क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसी तरह से मैं सभी मेजों को यहाँ से कटिंग कर लिया। कर लेने के बाद फ्रेंड्स फोन यहाँ से फोटो ज़्यादा हो चुका है, तो इस फोटो पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट वाले पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट हम जो है ना कर देते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ इसी तरह से जो है सभी पर कर लेना है। कर लेने के बाद आप लोग को इसमें आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में जो है आ जाना है, ओके। आ जाने के बाद आप लोग इसमें आप लोगों को क्लिप ग्राफिक को एड करना था, उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली से फोटो पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में जा करके नीचे देख सकते हैं आप लोग एक स्विट लाइज का जो है क्लिप ग्राफिक, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप लोग को 5 नंबर वाले को एड करना है, फिर से आप लोगों को इमेज पे क्लिक कर देना है, क्लिप ग्राफिक में जाकर के आप लोगों को स्वीट लाइज के में जाकर के आप लोगों को 5 नंबर वाले को ऐड करना है, ओके। फिर इसी तरह से आप लोगों को फर्स्ट जो है 4 इमेज जो आने वाला है स्टार्टिंग के जो 4 इमेज है उससे सभी इमेज पे 4 इमेज पे जो स्वीट लाइज के 5 नंबर वाले को ऐड कर लेना है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं स्वीट लाइज के जो है 5 नंबर वाले को एड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को अलग से डाउनलोड करना होगा, इस पर फ्रेंड्स मैंने वीडियो बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद डाउनलोड जो है आप लोग देख करके कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से 4 इमेज में लगा लिया, एड कर दिया, एड कर देने के बाद आप लोगों को अगले इमेज पर जाना है, जितने छोटा बीट जो यहाँ पर देख सकते हैं, तो छोटा बीट वाले आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली सा इसमें अगर अलग क्लिप ग्राफिक को ऐड करना था, उसके लिए आप लोगों को फोटो पर क्लिक करना होगा, क्लिप ग्राफिक पर क्लिक करके फिर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉल मी डीजे, ओके। इस पर क्लिक करके आप लोग सेकंड नंबर वाले को ऐड करना है, फिर से आप लोगों को अगले इमेज पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में जा करके कॉल मी डीजे को जो है सेकंड नंबर वाले को ऐड करना है, ओके। फिर से आप लोगों को अगले इमेज पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में जा करके कॉल मी डीजे में जा करके आप लोगों को सेकंड नंबर वाले को ऐड करना है, फिर से देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ 12 बीट वाला जो है हमारा इमेज है, 12 ड्यूरेशन का इमेज है, तो हम इसमें जो है अलग ही जो है इसमें क्लिप ग्राफिक को ऐड करना, तो उसके लिए आप लोग करना क्या होगा, सिंपल सा क्लिप ग्राफिक में क्लिक करके यहाँ पर फिर से आप लोग देख सकते हैं जो है गुड वाइब्स, ओके। इस पर क्लिक करके आप लोग सेकंड नंबर वाले को ऐड करना है, फिर से आप लोग को अगले इमेज पर देना, जितना भी फ्रेंड्स आप लोग छोटा छोटा बीट है ना, मैंने आप सभी को पहले बता दिया उस पर जो है आप लोग कॉल मी डीजे में जाकर के सेकंड नंबर वाले को ऐड करना है, ओके। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं सभी इमेजों पर जो है ऐड कर लेता हूँ, छोटा छोटा बीट जो है जितना पे है उसने आप सभी में जाकर जो है कॉल मी डीजे का सेकंड नंबर वाले को ऐड यहाँ से मैं जो है कर ले रहा हूँ। और बाकी जो है अब जो है बाकी जितना भी फ्रेंड्स बचा हुआ है ना इमेज सभी पे जो है आप लोगों को फोटो पे क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में जा करके गुड वाइब्स में जा करके आप लोगों को सेकंड नंबर वाले को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से मैं जो कोशिश इसी तरह से सभी इमेजों पर ऐड कर लेता हूँ, आप लोग भी कुछ इसी तरह से सभी इमेजों पर जो है ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से फटाक से मैं काम को स्किप कर दे रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स आप सबको कॉल मी डीजे को डाउनलोड करने नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स इस पर मैंने वीडियो जो है बना दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया हो, आप सभी को बोल दिया हो कि आप लोग उस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग भी जो है आप लोग अपने कैन मास्टर में कॉल मी डीजे से बहुत ही आसानी से इंस्टॉल जैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हैं बड़ा डोसर वाला, तो इसमें हम सेकेंड नंबर वाला लगा देंगे गुड वाइब्स को। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं जो इस काम को यहाँ से स्किप कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो है फास्टिंग में जो है कर दो। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को वन बाय वन करके आप लोगों को दिखाऊँ तो फ्रेंड्स वीडियो जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा हो सकता था। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं जो इस काम को जो है कुछ फास्टिंग में जो है यहाँ से कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से जो है कुछ जो है दो फोटो जो है बड़ा ड्यूरेशन वाला है, ओके। तो इस पर फ्रेंड्स आप लोगों को करना क्या होगा, फर्स्ट में जो है बड़ा ड्यूरेशन का फोटो है उस पर जो है आप लोग गुड वाइब्स को सेकेंड नंबर लगाना है, ओके। फिर से आप लोगों को अगले फोटो पर जो है जरा जो कुछ बड़ा ड्यूरेशन वाला फोटो है ना उस पर आप लोगों को करना क्या होगा, मतलब स्वीट लाइज में जाकर के फ्रेंड्स यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर वाले को एड करना है, ओके। फिर से आप लोगों को गाड़ी पर आ जाना है अगले इमेज पर, फिर से आप लोगों को फोटो पर क्लिक कर देना है, क्लिप ग्राफिक में चले जाना है, क्लिप ग्राफिक में जा करके फ्रेंड्स यहाँ से फ्रेंड्स आप लोगों को करना क्या होगा,
प्ले स्टोर, इसी तरह से सभी इमेजों पे जो है ना यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कॉल मी डीजे का सेकेंड नंबर वाला को ऐड करना है। ओके तो फ्रेंड्स इसी तरह से सभी को इमेज पे ऐड कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं जो सभी इमेज पे ऐड कर लिया, ऐड कर देने के बाद आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में जो है आ जाना है। आ जाने के बाद आप सभी को करना क्या होगा सिंपली सा, इस पर फ्रेंड्स आप लोगों को एक जो है ब्रोकन ग्लास वाले वीडियो को ऐड करना है। ओके तो उसके लिए फ्रेंड्स आप लोग को करना क्या होगा सिंपली सा, फर्स्ट चार इमेज को छोड़ देना है। ओके एक दो तीन चार इमेज को इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद जो है छोटा ड्यूरेशन वाला थर्ड पिक्चर छोड़ देना है, वो दो तीन छोड़ देना है। उसके बाद जो है फोटो आ रहा है बड़ा ड्यूरेशन वाला, उतने तक जो है आप लोग को आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग को ब्रोकन ग्लास का जो है वीडियो को ऐड करना है। ओके उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से मैं जो ब्रोकन ग्लास वाले वीडियो को यहाँ से ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद आप लोग इस बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में कर देने के बाद आप लोग को फिर से इसी वाले पर क्लिक करके इस बॉक्स पर इसको साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट कर देने के बाद आप लोगों को ओके कर देना। ओके कर देने के बाद फिर से आप लोगों को इसी पर क्लिक करके यहाँ से फिर से आप देख सकते ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन, ब्लेंडिंग वाले पर क्लिक करके फिर से आप लोगों को स्क्रीन में कर देना है। स्क्रीन में कर देने के बाद आप लोगों को बैक आ जाना है, थोड़ा सा इस तरह से बैक आना है। बैक आ जाने के बाद फ्रेंड्स आप लोग करना क्या होगा सिंपली सा, कुछ इस तरह से आप लोग को आगे आ जाना, ठीक है। इतने तक इस फोटो को जो है आप लोगों को लास्ट में आ जाना, थोड़ा सा आप लोग को जूम कर लेना है ताकि जो है काटने में जो है आसानी हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से फोटो को आप लोग को लास्ट में इतने तक आ जाना है। इस तरह से आप लोग ब्रोकन ग्लास वाले पर क्लिक कर देना है, कैंची पर क्लिक करके टर्म टू एड प्ले कर देना है। ओके तो यहाँ से फ्रेंड्स जो है लग जाएगा। लग जाने के बाद आप लोग करना क्या होगा सिंपली सा, सभी इमेज प्ले आप लोग को ऐड करना है। ओके यहाँ से फ्रेंड्स फोटो पर इस पर क्लिक कर देना है, इस ब्रोकन ग्लास वाले वीडियो पर थ्री डॉट पर क्लिक करके फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग को डुप्लीकेट निकाल लेना है। ओके डुप्लीकेट निकाल देने के बाद फ्रेंड्स छोटा वाला ड्यूरेशन को कुछ छोड़ के आप लोग कुछ तरह से आगे आ जाना है, इतने तक ऐड करना है। फिर से आप लोगों को आगे आ जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट निकाल के फिर से आप लोगों को छोटा ड्यूरेशन वाला तीन छोटे फोटो छोड़ के आप लोगों को यहाँ से ऐड कर देना है। ओके फिर से आप लोगों को आगे आ जाना है, इस तरह से थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट निकाल देना है। निकाल देने के बाद आप लोग थ्री फोटो छोड़ के फिर से आप लोग इतने तक ऐड कर देना है। ओके फिर से आप लोग इस पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट निकाल देना है। फिर से जो है छोटा ड्यूरेशन तीन फोटो छोड़ के आप लोग कुछ इस तरह से इतने तक ऐड कर देना है, खिसका के ला देना है। ओके फिर से आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट निकल के फर्स्ट जो है तीन फोटो छोड़ के छोटा वाला फिर से आप लोग इतने पर ऐड करना है। ओके फिर से आप लोग इसी पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट निकाल के थ्री फोटो छोड़ के आप लोग को इसी तरह से ऐड कर लेना है। ओके तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से मैं कुछ इसी तरह से ऐड जो है कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी तक आप सबने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं मैं जो है ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद अब जो लास्ट में बचा यहाँ पर जो बड़ा ड्यूरेशन का दो पिक्चर है उस पर फर्स्ट में लगा देना और लास्ट में जो है बाकी उस पर छोड़ देना। ओके फ्रेंड्स आप लोग कुछ इसी तरह से अब जो है इसको छोड़ के आप लोगों को कुछ तरह से खसका के ला करके आप लोग को इतने तक जो है देख सकते हैं बड़ा ड्यूरेशन वाला फोटो जहाँ जहाँ पर है फ्रेंड्स उतने तक जो है आप लोग को ऐड कर लेना। ओके तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से देख सकते हैं मैं जो ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद फ्रेंड्स अब आप सभी को करना क्या होगा सिंपली सा, वीडियो को फिर से आप लोगों को स्टार्टिंग में, चलिए फिर से आप लोगों को बताता हूँ को करना क्या है सिंपली सा। वीडियो के स्टार्टिंग में जो आ जाना है, आ जाने के बाद आप लोगों को लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर से आप लोगों को एक जो है कलरफुल टेम्पलेट को ऐड कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से कलरफुल वाले टेम्पलेट को ऐड कर लेता हूँ, उसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं जो कलरफुल टेम्पलेट को ऐड कर लेता हूँ, आप सभी को बता दिया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं जो कलरफुल वाले टेम्पलेट को ऐड कर लिया हूँ। ऐड कर देने के बाद आप लोग करना क्या होगा सिंपली, सबसे पहले इसको ऑडियो के यहाँ से हमें म्यूट कर देना है। म्यूट कर देने के बाद आप लोग को बैक आना है, इस तरह से बैक आ जाने के बाद बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में करना है। फिर से बैक आ जाना, आ जाने के बाद नीचे देख सकते हो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन, ब्लेंडिंग पर क्लिक करके आप लोग स्क्रीन में कर देना है। ओके स्क्रीन में कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों के ऊपर प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा दिखने में लग रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग है, कमाल का भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को सेव करने के लिए आप लोग इस एरो वाले पर क्लिक करके यहां से फ्रेंड्स आप लोग अपने मनपसंद लोकेशन में सेव कर सकते थे। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो का अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर देने के बाद फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है आप सभी को यहाँ पर कुछ इसी तरह का वीडियो देखने को मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।